तो अभी हम आ चुके हैं सिंगापुर में और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। बहुत ही स्मूथ था, बस सिंगल लॉन्ग लॉन्ग थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर भाई मोस्टली कपल या ग्रुप आता है, अपन तो भैया सिंगल लॉन्ग आ गए। मेरे से गलती हो गई थी, मैंने उसमें SD अराइवल कार्ड में अपना जो एग्जिट एंट्री है वो गलत डाल दी थी, बस इस चक्कर में डिटेन कर लिया था। तो हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया? तो भाई मैं हूँ अभी चेन्नई में और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला अपनी पूरी जर्नी, और ये मेरी हुई है एक नई सीरीज़ जिसमें आप देखने वाले हो आगे कई कंट्रियाँ। सिंगापुर से मैं जा रहा हूँ फिलीपींस, फिर और मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ आप जुड़े रहो। और मैं बहुत चीप ट्रैवल दिखाने वाला हूँ भाई, आप कुछ शौक हो जाओगे। बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भाई सिंगापुर पहुँचने मुझे कितना टाइम लगा, कैसे पहुँचा, क्या मेरी फ्लाइट थी। तो अभी वैसे मैं चेन्नई में हूँ, तो जुड़े रहो, सारी जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखते रहो वीडियो। हेलो पब्लिक, तो फाइनली वेलकम टू सिंगापुर। तो अभी हम आ चुके हैं सिंगापुर में और अब यहाँ से चलता है अपने हॉस्टल। बाकी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बाकी सारी चीज़ें कि मैं बताने वाला हूँ, मतलब कि कैसे इमिग्रेशन क्लियर हुआ वीज़ा प्रोसेस हॉस्टल पहुँचने के बाद। तो ये है सामने टर्मिनल, यहाँ से कैसे जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो में भी जुड़े रहना, तो बहुत काम की वीडियो होने वाली है। तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे हॉस्टल, कैसे जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद मैं बताऊँगा इमिग्रेशन कैसे क्लियर हुआ और क्या क्या पूछा, सारी चीज़ें इंडिविजुअल लॉन्डे को क्या क्या दिक्कत आएंगी, कोई इंडिविजुअल घूमना आया है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना ज़रूर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ना स्काई ट्रेन का, तो हमें स्काई ट्रेन से जाना है टर्मिनल टू, और टर्मिनल टू से मिलेगा हमें हमारा ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे दिया हुआ है, देखो बोर्ड हर जगह बोर्ड है। तो अभी हम चलते हैं स्काई ट्रेन और देखते हैं क्या भैया, मैं खुद फर्स्ट टाइम देखूँगा स्काई ट्रेन। तो चलो टर्मिनल टू चलते हैं। तो ये याद रखना भाई स्काई ट्रेन से ही जाना है टर्मिनल टू। तो भाई ये आ चुका है अभी लिटिल इंडिया में। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ हॉस्टल, और भाई ये देख लो कुछ ऐसा लगता है लिटिल इंडिया। भाई मैं हूँ मेट्रो से, बहुत ही इजी कनेक्टिविटी, को ज़्यादा बसर थी नहीं, जैसे हमने दिल्ली मेट्रो चलती है ब्लू लेन येलो लेन वो समझ के आना है, मैप पे डाल दोगे तो मैप से आप इजीली समझ जाओगे कैसे आना है। बाकी मैं अपना हॉस्टल भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में कि मैंने, और हॉस्टल भी सस्ता बुक करा है भाई, ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ के हिसाब से। हाँ मैंने एक कार्ड लिया है जो $10 का है, जिसमें मुझे $5 मिलेंगे ट्रैवल के लिए, और $5 है रिफंडेबल, अगर मैं कार्ड जमा कराऊँगा तो वो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो वो लेके भी जा सकते हैं, वैल्यू उसको वैलिड रहता है 5 साल तक। भाई हाँ वीज़ा के लिए भी बता देता हूँ, सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ भसड़ है नहीं। दिक्कत आती है मेरे जैसे लॉन्ड वो जो सिंगल लॉन्ड है घूमने आते हैं, तो मैं बता देता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने को एक तो 3 मंथ स्टेटमेंट दे देना, अप्रॉक्सीमेट लाख रुपये तो पड़े हो, मेरे तो चलो 2 लाख रुपये पड़े थे, और क्या था एक अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर, मतलब कि आपको छुट्टी मिल चुकी है वो, और अपनी फ़ोटो, एक एप्लीकेशन फॉर्म पर, और मैं कह रहा लिंक दे दूँगा उससे आप देख लेना कि
कौन किस किस यहाँ पे कुछ ऑथराइज एजेंट हैं इंडिया में, उन्हीं से ही करवाना। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, 2500 रुपये लगेंगे। एक मैं ब्रीफ डिटेल आपको बाद में बना के दूंगा, और मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। पहले कुछ खा पी लेता है। यहाँ पे ये देखो इंडियन रेस्टोरेंट दिखाए मुझे। तो भाई अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का क्या सीन था। मेरे से गलती हो गई थी, मैंने उसमें SD अराइवल कार्ड में अपना जो एग्जिट एंट्री है वो गलत डाल दी थी। मतलब 12 अप्रैल 2023 मुझे निकलना था, और मैंने गलती से कर दिया 12 अप्रैल 2027। बस इस चक्कर में डिटेल कर लिया था। तो हालांकि कुछ नहीं कर रहा, ना पूछा, गए पासपोर्ट ले गया, मुझे कमरे में बैठा दिया और पासपोर्ट चेक करा। खैर मेरे इतने सारे स्टैंप लगे हुए थे तो मुझे दिक्कत थी नहीं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनी हुई है, तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। और फिर सबसे मेन चीज़ क्या हुआ, एक वहाँ पर ऑफिसर इंडियन भी थे, वो आए तो उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट, भाई मैं जयपुर से हूँ, तो बोले कि अभी रिसेंटली वो जयपुर घूम के आए, उनको बड़ा पसंद आया, बहुत मस्त लगा जयपुर, बट वहाँ पर उनको लूट लिया लोगों ने। मतलब लूटना इन द सेंस शॉपिंग वॉपिंग में है, अब जयपुर में करते भी हैं ऐसे, सिटी साइड में जाओगे तो। फिर वो ऐसे हंसी मजाक करने लगे, फिर बोले कि इतनी सारी जगह घूम जाते हो आप, क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया अभी ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, ट्रैवल ब्लॉग करता हूँ। तो और खुश हो गए, तो बोलते हैं चलो अच्छा अच्छा शूट करना सिंगापुर के बारे में। तो मैंने बोला ठीक है, बस बुलाया, पासपोर्ट दिया और दे दिया एंट्री, इतना हुआ। हाँ, होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट देखी थी मेरी, मैंने दिखा दी। बट यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से आ रहे हो भाई, पासपोर्ट पे ई वीज़ा के अगर लेके आ रहे हो तो स्टैंप नहीं लगता। अगर आपको स्टैंप लगाना तो फिर स्टिकर वीज़ा लेके आना होगा, तो ये ज़रूर याद रखना। बाकी मैंने उसको वीज़ा के लिए आपको बता ही दिया कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। वीज़ा के डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे 3 मंथ आपका स्टेटमेंट। तो उसमें भी लोग कन्फ्यूज हो जाते थे, एक चीज़ बताता हूँ, बैंक के स्टैंप की ज़रूरत नहीं, मैंने बिना बैंक के स्टैंप का दिया था। थ्री मंथ बैंक स्टेटमेंट हो गया, और पासपोर्ट ऑब्वियस है, 2 फोटोज, और आपके HR से NOC की भाई आपकी छुट्टी है, आपने छुट्टी ली है, लीव लेटर, बस और कुछ नहीं चाहिए। 3 से 5 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। इस वीडियो में मुझे यही बताना था, तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, आप थोड़ा सा कर लो सपोर्ट भाई।